नमस्ते सर, क्या आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? करता हूँ। तो मैं आज उसी के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आज से 20 साल पहले जब स्मार्टफोन आया था तो उस समय लोगों को टॉर्च, घड़ी, कैलेंडर, अलार्म ये सब की बहुत जरूरत थी, लेकिन जब स्मार्टफोन आया उसने इन सभी चीजों की जरूरतें खत्म कर दी। और आज से 2-3 साल पहले इसकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि आप अपने घर से बहुत दूर रहकर भी अपने घर की गतिविधि को देख सकते हैं। आप स्मार्टफोन के द्वारा पंखा, टीवी, फ्रिज, मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कूल फीचर्स प्रेजेंट बिग रिस्क। स्मार्टफोन से आपका फोन नहीं, यह आपका पर्सनल असिस्टेंट बन गया है जिसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसे पता है आपका ईमेल एड्रेस, इसके पास आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी लोकेशन हिस्ट्री इसके पास सब है। तो हम लोग को इसीलिए सजग रहना चाहिए कि ये जो आपका पर्सनल असिस्टेंट है ये किसी और के काम नहीं कर रहा है या करने नहीं लगेगा। हमें बताता हूँ हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें हमेशा अपने स्मार्टफोन को पिन, पासवर्ड या पैटर्न से लॉक रखना चाहिए। और वो पासवर्ड सिंपल नहीं होना चाहिए, जैसे आप 1234 ऐसे पासवर्ड रख दिए, कुछ यूनिक, कुछ अनोखा जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। आपको सब चीज का मिक्सअप बना के एक पासवर्ड बनाना चाहिए। हमें ट्रस्टेड ऐप स्टोर जैसे गूगल प्ले स्टोर जो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, और एप्पल ऐप स्टोर जो आईफोन यूजर्स के लिए, उसी से जाके ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन वो इन दोनों ऐप प्ले स्टोर में भी कुछ फर्जी ऐप होते हैं, इसलिए हमें उन लेटेस्ट रिव्यू को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने इसे डाउनलोड किया उन्हें ये ऐप कैसा लगा है। और जब हमें जरूरत नहीं हो तो वाईफाई या ब्लूटूथ को ऑन नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे बंद नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि साइबर क्रिमिनल्स हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डाटा के द्वारा ले सकते हैं। हमें हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए, ट्रस्टेड एंटीवायरस को इंस्टॉल करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ हमें क्या नहीं करना चाहिए। SMS, ईमेल, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक आते रहते हैं, लेकिन हमें उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो एक झटके में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में हो सकती है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सब वेबसाइट्स में ऐप फर्जी होता है जिसमें वायरस होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वायरस आपके फोन में घुस गया है और वो धीरे धीरे हैंग कर करके आपके फोन को पूरी तरह से खराब कर देगा। अनसिक्योर वाईफाई से कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, मतलब कि जैसे आपको नहीं पता है कि आपके वाईफाई से कौन कनेक्टेड है या फिर आपसे वो अनजान है, तो आपको वाईफाई को बंद कर देना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहेंगे तो आपका फोन मजबूत होता जाएगा। आंख बंद करके भी किसी सिक्योरिटी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि सिक्योरिटी ऐप में क्या वायरस हो सकता है, लेकिन आजकल के क्रिमिनल्स इतने चतुर हो गए हैं कि वो सिक्योरिटी ऐप में भी वायरस डाल देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।